फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम एल्गोरिथम की, जहां पे पहला एल्गोरिथम हम काउंटिंग सॉर्ट की बात किए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने विथ एग्जांपल और विथ एल्गोरिथम टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ हमने कंप्यूट करके वहाँ पे दिखा दिया था कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। आज हम उसी काउंटिंग सॉर्ट का एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जो कि जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। कैसे भी क्वेश्चन आएगा, तुरंत कैसे आपको सॉल्व करना है उस प्रोसेस को हम आप आज आपको दिखाएंगे। तो सपोज कीजिए कि आपको एक एरे दिया हुआ है। इस एरे में अगर आप एलिमेंट इसका इंडेक्सिंग देखें तो इंडेक्सिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडेक्स तक जा रहा है, और 6 नंबर आप एलिमेंट है। हमने 6 एलिमेंट इसलिए रखा ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट रखने पे टाइम आपका ज़्यादा जाएगा, जिससे वीडियो बहुत बड़ी साइज की हो जाती है। तो आप जल्दी से यहाँ पे समझ जाएंगे। ये जो एरे दिया हुआ है इसको हम एरे ए मान लेंगे। इसी के करस्पॉन्डेंस एक आपको सेम साइज की एरे बी की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर आप आउटपुट सेव करोगे। तो इसकी भी साइज कितनी होगी, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इसको इनपुट से आउटपुट पहुंचने के लिए, क्योंकि ये नॉन कंपेरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है, कोई एलिमेंट का एक दूसरे से कोई कंपेरिजन नहीं होता, तो हम यहां पे एक और एरे लेंगे और उस एरे को एज ए इमीडिएटर के तौर पे यूज करेंगे इनपुट टू आउटपुट पहुंचने के लिए। मीन्स प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन कुछ वहां पे हम करेंगे। तो जो एरे हम तीसरा एरे लेंगे उसकी साइज क्या होगी, वो डिपेंड करेगी रेंज की, कि इसकी रेंज क्या है। जो आपको इनपुट दिया गया है एरे में उसकी रेंज क्या है, रेंज कैसे निकलता है। रेंज निकालने के लिए सबसे मैक्सिमम एलिमेंट आप पिक कीजिए। सबसे मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 13। मीन्स जो k की वैल्यू है, आपका k वैल्यू निकल गया एक 13, जो कि हाइएस्ट वैल्यू था। दूसरी मिनिमम वैल्यू देख लीजिए, मिनिमम वैल्यू देखें तो क्या है, 4। तो जो रेंज निकला आपका मिनिमम मीन्स 4 to 13, 4 to 13 आपका एक रेंज निकला। इसी के रेंज में सारे नंबर लाइज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सारे नंबर देखें, देखें क्या है, 4 को 4 to 13 के बीच में ही है, तो इसी के बीच में सारे नंबर लाइज करेंगे। तो कितनी साइज की एरे बनेगी आपको यहाँ पे, अब देखिए सी जो एरे बनेगी वो सी एरे क्या होगी, 4 to 13। मीन्स लोकेशन देख लीजिएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इस साइज के आपको क्या बन जाएंगे, एक टेम्प्रोरी एरे मिल जाएगा, जिसका हम नाम दे देंगे सी। इनिशियली इस सारे की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, 0। इनिशियली सारे लोकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब इसी को हम अपडेट करेंगे। जब इसको अपडेट करेंगे तो आपका सेम साइज का एरे फिर से मिलेगा। अपडेट में क्या होगा उस टाइम देखिएगा, लोकेशन वही होगा आपका, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो आपका मेन एरे था इनपुट, उसकी साइज से 1 से स्टार्ट करेंगे, 6 तक जाएंगे। जब फर्स्ट लोकेशन की बात करें तो यहाँ वैल्यू कितनी है, 10। अब 10 जो है यहाँ पे वैल्यू, ये 10 वैल्यू यहाँ पे आज लोकेशन के तौर पे देखा जाएगा, मतलब इस लोकेशन की बात कर रहा है। इस लोकेशन पे जो वैल्यू पुरानी थी, पुरानी वैल्यू कितनी थी, 0। अपडेट होके यहाँ पे हम कर देंगे 1, मतलब पुरानी वैल्यू में एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर से काउंटर चलेगा यहाँ पे टू लोकेशन वैल्यू कितनी है, 7। 7 मीन्स यहाँ पे तो वैल्यू 7 है, लेकिन यहाँ पे 7 एज ए लोकेशन काम करेगा, और यहाँ पे 7 लोकेशन पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 था 7 लोकेशन, ओल्ड वैल्यू कितनी है, 0। न्यू वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी आपकी 1। ऐसे जब थर्ड पहुंचा तो यहाँ कितनी है वैल्यू, 12 वैल्यू है। 12 मीन्स 12वें लोकेशन की बात कर रहा है। 12वें लोकेशन का ओल्ड वैल्यू कितनी है, 0। करंट वैल्यू हो जाएगी 0 + 1, 1। यहाँ पहुंचा फोर्थ लोकेशन पे, फोर्थ लोकेशन वैल्यू कितनी है, 4। 4 वैल्यू है, तो फोर्थ की यहाँ पे लोकेशन की बात करेगा। फोर्थ लोकेशन पे ओल्ड वैल्यू कितनी है, 0, और यहाँ हो जाएगी करंट वैल्यू एक इंक्रीमेंट होके 1। फिफ्थ लोकेशन पे 9 वैल्यू है, तो 9 यहाँ पे जो लोकेशन का काम करेगी। इस 9th लोकेशन पे ओल्ड वैल्यू कितनी है, 0। करंट वैल्यू हो जाएगी 0 + 1, इंक्रीमेंट के साथ हो जाएगी 1। 6 पहुंचे तो यहाँ पे कितना है, 13। 13 यहाँ पे लोकेशन काम करेगा, 13 का ओल्ड वैल्यू 0, तो यहाँ पर जाएगा 0 + 1, इंक्रीमेंट हो जाएगा। बाकी जो भी वैल्यू बचे हैं जहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई, वहाँ पे हम 0-0 एंट्री कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम निकालेंगे, अब सारे हो चुके हैं यहाँ पे एंट्रीज, अब सम निकालेंगे। सम
सी। हम इसी एरे में एक सम एरे निकालते हैं। अब देखिए सम एरे कैसे निकलेगा, इसी इतने साइज का भी होगा, लोकेशन आपका वही होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, जो पहली वैल्यू है पहली वैल्यू सेम यहां पे हम रखेंगे 1, लूप चलाएंगे यहां से लेके यहां तक, मतलब 5 से लेके 13 तक। यहां पे वैल्यू कौन सी आएगी, प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू, तो प्रीवियस वैल्यू कितनी 1, करंट वैल्यू कितनी 0, तो यहां हो जाएगी 1। अब यहां पे वैल्यू कौन सी आएगी, प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू, तो करंट वैल्यू 0, प्रीवियस वैल्यू यहां पे अपडेट होकर 1 हो चुकी है, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1। यहां पे क्या आएगा, प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू मतलब 1 प्लस 1 2, 0 है यहां पे करंट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू 2 मींस 2 प्लस 0 2। यहां पे इस तरह से 3 4 हो जाएगा, यहां 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 6, यहां पे इस तरह से लिमिट आपका आ गया, सम निकल गया। अब हम इसी के हेल्प से हम डायरेक्टली लूप चलाएंगे इस पे और एक एक वैल्यू हम यहाँ पे कॉपी करते हुए चलेंगे, और जो कॉपी वैल्यू होगा वो क्या होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। कैसे होगा देखिएगा, हम लूप चलाएंगे 6 down to 1 तक, मतलब 6 से स्टार्ट करेंगे 1 तक आएंगे, तो 6 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 6 पे 13 है, और इसमें देखें तो वही 13 किसका काम कर रहा था, लोकेशन का, तो इस 13 लोकेशन पे वैल्यू कितनी है 6। 6 अब इस मेन एरे में एज ए लोकेशन काम करेगा, मतलब 6 लोकेशन पे हम कॉपी कर देंगे वैल्यू वाली 13, यहाँ आ जाएगी 13। अब जब काउंटर यहाँ पे आया काउंटर 5 पे, 5 पे कितना 9, हम डायरेक्ट आ जाएंगे 9 पे, और ध्यान जैसे 13 यहाँ कॉपी किए डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होकर 6 की जगह हो जाएगा इसकी वैल्यू 5। चलिए अब हम आते हैं इस पे 5 पे वैल्यू कितनी 9 यहाँ पे जो लोकेशन का काम करेगा, 9 लोकेशन वैल्यू कितनी 3। अब ये जो 3 है 3 इसमें एज लोकेशन काम करेगा, 3 लोकेशन वैल्यू आ जाएगा आपका 9। 4 जब 4 पे आए तो यहाँ वैल्यू कितनी है 4 यहाँ पे एज लोकेशन का काम करेगा, और 4th वैल्यू कितनी 1 मीन्स 1 यहाँ पे एज लोकेशन आ जाएगा, तो 4th वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 ही है, तो यहाँ पे 1 पे आ जाएगा 4। जब हम इस पे आएंगे 3 पे कितना 12, हम डायरेक्ट आएंगे 12 लोकेशन पे, 12 लोकेशन में कितनी वैल्यू है 5 है, 5 यहाँ पे जो लोकेशन का काम करेगा, जब 5 है जो लोकेशन का काम कर रहा है तो इस 5 लोकेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 इस वाले लोकेशन की। नेक्स्ट हम आ जाएंगे इस पे 2 पे क्या आता है 7 यहाँ पे लोकेशन का होगा। ध्यान दीजिए जैसे हम वैल्यू करते जा रहे हैं वो डिक्रीमेंट भी हो जाएगी वैल्यू, डिक्रीमेंट जैसे कि हम जैसे हमने यहाँ पे 6 को 5 से डिक्रीमेंट किया था, और 5 की जगह 4 हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज होके, ए 3 आपका 2 हो चुका होगा डिक्रीज होके जब 9 यहाँ पुट किया था मैंने, और इस तरह से 1 4 जब यहाँ पे मैंने पुट किया था तो 4 वाला यहाँ पे 1 के केस में था, तो ये डिक्रीज होके हो जाएगा 0, आपका 4 यहाँ पे पुट हो चुका है। नेक्स्ट हम जब आते हैं कहाँ तक लूप मेरा चल चुका है 12 तक, इस लोकेशन पे आते हैं 2 पे आते हैं तो वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, तो 7 लोकेशन की बात करेंगे, 7 लोकेशन वैल्यू कितनी है, 7 लोकेशन वैल्यू कितनी है आपकी 2। जब 7 लोकेशन वैल्यू 2 है तो 2 लोकेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, मतलब 7 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और ये डिक्रीज होगी कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट बचा आपका एलिमेंट 10, यहाँ पे 1 पे आएगा, 1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10 यहाँ पे जो लोकेशन का काम करेगा, जब लोकेशन काम करेगा ना 4th लोकेशन है तो 4th लोकेशन की बात करेगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका 10 और ये डिक्रीज होकर हो जाएगा कितना 3। अगर आप देखें अब आउटपुट तो ये सारे एरे क्या हैं, सॉर्टेड एलिमेंट आ चुके हैं जो कि बी एरे में स्टोर्ड है। होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा काउंटिंग सॉर्ट का आप इजीली अब सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट आज लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रिडिक्स सॉर्ट की।